हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज चैनल में। जी हां, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। लोकल में सफर करने को लेकर आखिरकार आम जनता को इजाजत मिल चुकी है। आम जनता के लिए लोकल के दरवाजे 2 दिन के बाद खोल दिए जाएंगे। यहां पर आपको वैक्सीन की सिंगल डोज लगवाने के बाद भी अनुमति दी जाएगी और साथ ही कुछ घंटों के लिए आप पे पाबंदी रहेगी। यानी कि जी हाँ दोस्तों, लगातार एकाएक सबको अनुमति नहीं दी जा रही है। पीक आवर्स के लिए ज्यादातर स्पेशली जो है कम लोगों को अनुमति दी जा रही है, ताकि एकाएक जो है स्टेशनों पर या लोकल के डिब्बों में गर्दी ना बढ़े, पहले के जैसे हालात पैदा ना हो, धीरे धीरे करके लोग संयम के साथ जो है सफर कर सके। वैक्सीन की सिंगल डोज और डबल डोज का जो है मसला है उसे अब खत्म किया जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी अपडेट की लोकल में अब टिकट मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें जितनी जरूरत है जब जरूरत है वो टिकट्स खरीद सकते हैं। क्योंकि मुंबई की वैक्सीन की जो क्षमता थी वो काफी हद तक बेहतर हो चुकी है और मुंबई पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाने वाला प्रदेश बन चुका है, यानी कि शहर बन चुका है, डिस्ट्रिक्ट कहिए, तमाम चीजों में मुंबई सबसे बेहतर है। और मुंबई में वैक्सीन की सिंगल डोज 1 करोड़ से ऊपर लग चुकी है, जो अपने आप में दर्शाती है कि अब मुंबई की लोकल ट्रेन सुरक्षित है। मुंबई में बसों में लोग सफर कर करके थक चुके हैं। काफी लोग ऐसे हैं जो इंतजार में हैं कि सरकार उनको कब अनुमति देगी, कब वो अपने लोकल में सफर कर पाएंगे, कब वो लोग लोकल में सफर के माध्यम से अपने रोजगार को जो है बचा पाएंगे। तो दोस्तों, 2 दिन के बाद आप सभी को अनुमति मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।